हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नेहरू रिपोर्ट पे। नेहरू रिपोर्ट आपको पता है, अगस्त 1928 को एक रिपोर्ट पब्लिश हो गया था, उसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इससे कबल हमने, जैसे कि पहले भी बात किया है, साइमन कमीशन का, कि 1927 को 1927 को इंडिया में एक कमीशन आ गया था जिसे साइमन कमीशन कहते हैं। और ये साइमन कमीशन का मकसद था इंडिया के लिए कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन निकालना। और इसको डिस्कस करते हुए हमने ये भी बताया था कि साइमन कमीशन नाकाम हो चुका था, बुरी तरह पिट के वापस गया था। और जब साइमन कमीशन नाकाम हो गया तो अब इंडियंस के लिए एक चैलेंज भी पैदा हुआ, वो ये कि नाउ दे हैड टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। एक यूनैनिमस कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने खुद बनाना था। इस मकसद के लिए एक एपीसी बुलवाई गई थी और उस एपीसी में एक कमीशन सेट हो गया था, और देन एक रिपोर्ट अगस्त 1928 को पब्लिश हुआ था। उस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कमीशन को लीड नेहरू करता था, नेहरू इस कमीशन को लीड कर रहा था, इसलिए इस कमीशन को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिएगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि ये नेहरू रिपोर्ट क्या है। सबसे पहले इस रिपोर्ट का जरा बैकग्राउंड पे नजर दौड़ाते हैं। साइमन कमीशन का हमने पहले ही बताया था कि वो जो नाकाम हुआ था। इस साइमन कमीशन का जब रिपोर्ट तैयार हुआ तो ये रिपोर्ट अक्टूबर 1927 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ये जो है ना, ये ब्रिटिश ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया। और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश हुआ तो इस वक्त इंडिया के हालात बहुत ज़्यादा कशीदा थे। इंडिया के हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हालात थे। इंडिया के हालात इंतहाई कशीदा थे, और क्योंकि इंडिया में साइमन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। आपको पता हो तो मुस्लिम लीग के एक फ्रैक्शन ने जस्ट इसको एक्सेप्ट किया था, बाकी एक बहुत बड़ी फ्रैक्शन जिसको मोहम्मद अली जिन्ना लीड कर रहे थे, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया था, और फिर कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया था। तो ये रिपोर्ट इंडिया में पिट चुका था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ने पार्लियामेंट में इस जब ये पेश हुआ तो कहा कि इंडियंस इतने तकसीम हो चुके हैं और इतने एक दूसरे के खिलाफ हैं कि इनके लिए कोई यूनैनिमस कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत मुश्किल काम है। उसकी वजह जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा वो ये कि इंडियंस डिवाइडेड हैं, तकसीम है, बटे हुए हैं और एक दूसरे के मुखालिफ हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, और वो फेड अप हैं, तंग आ चुके हैं, उकता चुके हैं। इतनी हालात खराब है कि अब इनके लिए कोई यूनैनिमस कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसके बाद फिर अगला ऑप्शन ये था कि खुद इंडियंस को कहा गया कि भाई अब आप ही एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, जब आपको साइमन कमीशन एक्सेप्टेड नहीं है, सो मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन बाई योर सेल्फ। तो फिर अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का टास्क इंडियंस को मिल गया। जब ये टास्क इंडियंस को मिल गया तो कांग्रेस ने एक एपीसी बुलवाया, ये फरवरी 1928 को। इस एपीसी का मकसद था एक ड्राफ्ट कमेटी सेटअप करना। अब इस एपीसी में तकरीबन सारे पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसका बायकॉट किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हो गई। बहरहाल जैसे तैसे करके एक कमीशन के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई, उनके मेंबर्स जरा देखते हैं। तो कमेटी के जो बनी थी उसको लीड कर रहे थे मोतीलाल नेहरू, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी, और फिर इन्हीं के बरखुरदार थे जवाहरलाल नेहरू,
उनको सेक्रेटरी बनाया गया, यानी बाप बेटे को इसका इंतज़ाम संभालने दिया गया, बाप को चेयरमैन, बेटे को सेक्रेटरी। फिर दीगर जो अराकीन थे उनमें सर तीज बहादुर सपराव थे, वो मेंबर थे। फिर जी आर प्रधान थे, जी आर प्रधान भी मेंबर थे, और एम आर जेकार भी मेंबर थे, और एन ए जोशी ये साहब भी मेंबर थे, और यहाँ दो मुसलमान अरकान भी शामिल थे, एक सर अली इमाम थे और दूसरा शुएब कुरैशी। ये दो मुसलमान अरकान को भी शामिल किया गया। तहम इन मुसलमान अरकान के ऊपर मुस्लिम लीग के काफ़ी रिजर्वेशंस थे, क्योंकि ये दोनों अली इमाम और शुएब कुरैशी नो डाउट ये टैलेंटेड लोग थे, लेकिन ये बहुत लंबे अरसे तक यूके में रिहाइश पजीर होने की वजह से इनको इंडियन मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स के बारे में कुछ खास नहीं पता था। सो दे वर नॉट अवेयर अबाउट दैट व्हाट इंडियन मुस्लिम्स वर व्हाट इंडियन मुस्लिम्स वांट, राइट। तो इनको इंडियन मुस्लिम्स के ख्वाहिशात के बारे में इतनी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि ये दोनों बहुत लंबे अरसे तक हिंदुस्तान से बाहर रहे थे। अब कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार किया, उस रिपोर्ट के चंद अहम नुकात हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात, उन्होंने ये कहा कि इंडिया के लिए एक फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी बहुत वसी अख्तियारात के साथ, और एक कॉन्स्टिट्यूशन जो हो वो सेल्फ गवर्निंग डोमेनियंस इंट्रोड्यूस कराए सब कंटिनेंट के अंदर। ये कहा गया था कि इंडियंस को ज़्यादातर इख्तियारात ट्रांसफ़र होने चाहिए। ये एक अच्छी बात थी, क्योंकि इंडिया के आज़ादी और सारे इंडियंस की, रिगार्डलेस ऑफ मुस्लिम्स और हिंदूज, सब ये चाहते थे। दूसरा जो पॉइंट था वो ये कि जो जुदागाना इंतखाबात या सेपरेट इलेक्टोरेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के तहत दिए गए थे और 1919 के तहत भी वो कंटिन्यू रखे गए थे, इसकी सख्ती से मुखालफत की गई थी। और ये कहा गया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स को जॉइंट इलेक्टोरेट्स के साथ तब्दील कर दिया जाए, यानी माइनॉरिटीज़ के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, ताहम माइनॉरिटीज़ के लिए सीटें रिजर्व ज़रूर की जाए ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो। तो बहरहाल जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स था, इसके लिए मुसलमानों ने और बिलखसूस मुस्लिम लीग ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, तभी जाके ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले थे। तो इस रिपोर्ट में उनको ख़त्म करने के लिए कहा गया था। फिर उसके बाद ये कहा गया था कि फॉरेन अफेयर्स हो, आर्मी हो और डिफेंस, ये सब के सब पार्लियामेंट और वायसराय के अंडर में लाया जाए, तो इंडिया के गवर्नमेंट के अंडर में लाया जाए। ये जो है ना, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में होते थे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की आर्मी और इंडिया की डिफेंस। इसमें ये प्रपोज़ किया गया कि इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से उठा के इंडिया के गवर्नमेंट के हाथ में दिया जाए, इंडियन पार्लियामेंट के अंडर में हो और इंडियन वायसराय के अंडर में हो। फिर दूसरा एक बात ये कि सिंध और बम्बई पहले मिला के एक ही प्रोविंस थी, और सिंध की तरफ से कंटिन्यूसली ये डिमांड किया जा रहा था कि सिंध और बम्बई को अलग कर दिया जाए। इसको मान लिया गया, लेकिन एक शर्त के साथ। ये मान लिया गया कि सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए, लेकिन एक शर्त रखा, वो ये कि अगर सिंध अपने अखराजात खुद बर्दाश्त कर सके। तो अब देखिए दोस्तों, सिंध ऑलरेडी पसमानदा था जो अपने अखराजात कैसे उठाता, उसे बम्बई से अलग करने का डिमांड करने का एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि उसे अलग कर दिया जाए ताकि वहाँ पर तरक्याती काम हो सके। तो ठीक है, जब सिंध डेवलप होता तो उसके बाद वो अपने अखराजात तो बर्दाश्त करता, लेकिन एट द बिगिनिंग हाउ कुड सिंध बियर इट्स ओन एक्सपेंसेस। तो ये एक एब्सर्ड सा, एक नामुनासिब सा क्लो रखा गया था। फिर उसके अलावा एक अच्छी बात ये जो अगली हमें नज़र आती है वो ये कि NWFP और बलूचिस्तान में को फुल प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाए।
उस वक्त तक एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान को फुल प्रोविंशियल स्टेटस नहीं था। एनडब्ल्यूएफपी को तो खैर 1935 को दिया गया और फिर बलूचिस्तान को तो 1947 में भी नहीं था, 1969 को दिया गया था। बलूचिस्तान में इलेक्शंस फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शंस 1970 को हुए हैं, उससे पहले बलूचिस्तान को फुल प्रोविंशियल स्टेटस नहीं था। उसके अलावा हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराने के लिए कहा गया। इसके ऊपर भी मुसलमानों के और दूसरे अकलियतों को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस थे। ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, गुड बाय।